एक तरफ जहां देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है तो वहीं गाय के नाम पर हुई घटनाओं से बदनामी का दाग लग रहा है। आलम यह है कि डोकलाम विवाद पर मोदी सरकार को आंखें दिखाने वाला ड्रैगन भी भारत के आंतरिक मामलों में विवादित बयानबाजी करने से चूक नहीं रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आए बयान ने जहां मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है तो वहीं तथाकथित गौरक्षकों को झटका लगा है। अल्पसंख्यक आयोग ने ये माना है कि गाय के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पीएम मोदी के बयानों से न सिर्फ देश पर असर हुआ है बल्कि तथाकथित गौरक्षकों के खिलाफ एक माहौल बन गया है, क्योंकि अपने बयानों में पीएम मोदी ने तीखे लफ्जों में गाय के नाम पर हिंसा फैलाने वाले तथाकथित गौरक्षकों की कई बार भर्त्सना की है, जिसके चलते देश में ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोगों की आरोपी गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की राय बन गई है। आयोग की माने तो हिंसक घटनाओं से देश भर में लोगों के मन में चिंता और भय पनपा है। ऐसे में मोदी सरकार ने मामले को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई तो वहीं खुलेआम लोगों के बीच जाकर तथाकथित गौरक्षकों की हिंसा की जमकर निंदा की। ऐसे में आयोग को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।